23 जुलाई की शाम क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद शिल्पा शेट्टी ने किया पोस्ट। लोगों से की बहुत बड़ी गुजारिश। शमिता शेट्टी ने किया अपनी बहन का सपोर्ट। वेल, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड एंड बिजनेसमैन राज कुंद्रा की कस्टडी कोर्ट ने 27 जुलाई तक बढ़ा दी है। वहीं क्राइम ब्रांच के अधिकारी इस मामले को लेकर शिल्पा शेट्टी के जुहू स्थित घर भी पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा से भी कुछ बातों को लेकर पूछताछ की गई, लेकिन विवादों के बीच अब शिल्पा शेट्टी का एक पोस्ट खूब चर्चा में है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि शिल्पा ने ये पोस्ट अपने हस्बैंड राज कुंद्रा को लेकर नहीं बल्कि अपनी फिल्म हंगामा 2 को लेकर किया है। जी हाँ, 23 जुलाई को शिल्पा शेट्टी की हंगामा 2 रिलीज हुई। फिल्म की OTT रिलीज के बाद अब शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया के जरिए दर्शकों से हंगामा 2 देखने की रिक्वेस्ट की है और एक लंबा चौड़ा मैसेज भी शेयर किया है। शिल्पा ने अपने पोस्ट में लिखा, मैं योग की टीचिंग पर विश्वास करती हूँ और उनकी प्रैक्टिस करती हूँ। जिंदगी सिर्फ मौजूदा पल में है। हंगामा 2 में एक पूरी टीम की कड़ी मेहनत शामिल है जिन्होंने एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और फिल्म सफर नहीं करनी चाहिए। आज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप फिल्म से जुड़े हर एक व्यक्ति के खातिर अपने परिवार के साथ हंगामा 2 देखें ताकि आपके चेहरे पर मुस्कान आए। विद ग्रैटिट्यूड, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। वही राज कुंद्रा के अरेस्ट के बाद शिल्पा की बहन शमिता शेट्टी ने भी शिल्पा को सपोर्ट किया। ट्विटर पर शमिता ने 2 ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने शिल्पा शेट्टी को हंगामा 2 के लिए बेस्ट विशेस दिए। वेल, हंगामा 2 रिलीज हो चुकी है और रिलीज के ठीक पहले शिल्पा और राज की लाइफ में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। 19 जुलाई को राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही सोशल मीडिया पर शिल्पा और राज दोनों को यूजर्स ट्रोल कर रहे हैं। इस केस से दोनों के प्रोफेशनल लाइफ में कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल शिल्पा ने सभी से अपील की है कि वो उनकी कमबैक मूवी हंगामा 2 देखे। इतने विवादों के बीच शिल्पा के इस रिक्वेस्ट पोस्ट को आप किस तरह से देखते हो, पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।